हेलो, मेरा नाम है केतन और आप देख रहे हैं ऑल्ट न्यूज। यहाँ आपका राब्ता करवाया जाता है सच से, लेकिन इस प्रोसेस में न चीखा चिल्लाया जाता है, न ही मुंह के सामने कागज लहराया जाता है और न ही अपना पॉइंट प्रूफ करने के लिए किसी भी तरह की गाली गलौज का सहारा लिया जाता है। बीते दिनों टीवी और सोशल मीडिया पर दिखने वाली तमाम विभूतियों ने अपनी विजय पताका लहराई, क्योंकि एक्टर सुशांत सिंह राजपूत का केस सीबीआई के हत्थे चढ़ गया है। आगे क्या होगा इसके बारे में कुछ भी कहना पूरी तरह से मूर्खता होगी, लेकिन सुशांत के इस केस की पूरी कवायद में हमारी नजर रही उन बातों पर जो फैक्चुअली गलत थी, अतार्किक थी या किसी भी और तरह से मिस इन्फॉर्मेशन फैला रही थी। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हमारे किए हुए वो फैक्ट चेक्स जो सुशांत सिंह राजपूत के केस से जुड़े हुए थे। सबसे पहले सबसे लेटेस्ट फैक्ट चेक। 17 अगस्त को आज तक की एग्जीक्यूटिव एडिटर अंजना ओम कश्यप ने एक वीडियो ट्वीट किया और कहा कि वीडियो में सुशांत सिंह राजपूत अपनी भांजी मल्लिका सिंह के साथ डांस कर रहे हैं। अगली सुबह आज तक ने भी अपने ऑफिशियल हैंडल से इसी वीडियो के बारे में ट्वीट करते हुए इसे सुशांत के साथ उनकी भांजी के डांस का वीडियो बताया। देखते ही देखते ये वीडियो मीडिया आउटलेट्स की एक प्रमुख खबर बन गया। टीवी, वेबसाइट, सोशल मीडिया सभी जगह इसे जगह मिली। न्यूज नेशन ने इस वीडियो के बारे में लिखा, एक नए वीडियो में सुशांत अपनी भांजी के साथ डांस करते नजर आ रहे हैं। इस तरह के वीडियो में सुशांत के मस्ती भरे अंदाज देखने के बाद ऐसा नहीं लगता कि सुशांत कभी डिप्रेशन में रहे होंगे। इस वीडियो के बारे में खुद उस लड़की ने इंस्टाग्राम पर बताया जो सुशांत के साथ नाचती हुई दिख रही है, और वो सुशांत की भांजी नहीं बल्कि उनकी कोरियोग्राफर मनप्रीत तूर थी, जिसने फिल्म राब्ता में सुशांत के साथ काम किया था। मनप्रीत ने उसी मौके की तस्वीर 4 जून 2017 को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपलोड की थी। आज तक ने बाद में अपने आर्टिकल की हेडिंग बदली और साथ ही एक करेक्शन करता हुआ ट्वीट भी देखने को मिला, जिसमें साफ किया गया था कि वीडियो में कैमरे के आगे मनप्रीत थी और पीछे सुशांत की भांजी थी। इस मिस इन्फॉर्मेशन से पहले एक और खबर चली थी जो सुशांत के केस से ही जुड़ी थी और तथ्यात्मक रूप से काफी गलत थी। सोशल मीडिया पर दावे किए जाने लगे कि अमित शाह के प्रयासों की वजह से सीबीआई ने बिहार के एसपी विनय तिवारी के हाथ में जांच की कमान दे दी। आपको बता दें कि ये वही विनय तिवारी हैं जिनके मुंबई पहुंचते ही उन्हें क्वारंटीन करने के इंतजाम कर दिए गए थे और जिस पर बहुत बवाल भी हुआ था। इन्हीं विनय तिवारी को गैर भाजपा शासित प्रदेश में सीबीआई जांच का सिरमौर बताया जाने लगा और कहा जाने लगा कि ये अमित शाह का मास्टर स्ट्रोक है। ये कोरी अफवाह थी। ऑल्ट न्यूज ने खुद विनय तिवारी से बात की, उन्होंने मीडिया के इन सभी दावों को खारिज किया और साथ ही मामले को पूरी तरह से साफ करते हुए एक ट्वीट भी किया। आपको यहां हम बता दें कि इस वीडियो में बताए जा रहे तमाम फैक्ट चेक्स आप हमारी वेबसाइट www.altnews.in पर जाकर पढ़ सकते हैं या फिर गूगल प्ले स्टोर से ऑल्ट न्यूज की ऐप डाउनलोड करके तमाम अफवाहों की सच्चाई जान सकते हैं। एक अफवाह और उड़ी थी, इसमें नाम शामिल था सुशांत की एक्स मैनेजर दिशा का। शुरुआती वक्त में दिशा और सुशांत की मौत के बीच कनेक्शन होने की अटकलें भी लगाई जा रही थी, क्योंकि दोनों ने सुसाइड किया था और दोनों की मौत के बीच हफ्ते भर का ही अंतर था। एक तस्वीर को शेयर कर दावा किया गया कि उसमें दिशा के साथ सूरज पंचोली दिख रहे हैं। अब हुआ ये कि सूरज पंचोली जो कि आदित्य पंचोली के बेटे हैं, इनका नाम एक्टर जिया खान के सुसाइड केस में भी आया था। सो यहां इस दावे की वजह से लोगों का ध्यान काफी आकर्षित हुआ और ये होना काफी स्वाभाविक भी था। लेकिन मालूम पड़ा कि इस तस्वीर में सूरज पंचोली के साथ दिशा नहीं बल्कि उनकी दोस्त अनुश्री गौर थी। सूरज ने इंस्टाग्राम के जरिए इस बात को साफ किया। इसके अलावा न्यूज एजेंसी IANS भी फर्जी ट्वीट के चक्कर में पड़ गई। 4 जुलाई को INS ने ट्वीट करके बताया कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने ट्वीट किया है और उन्होंने अपने बेटे की मौत की सीबीआई जांच की मांग की है। इस ट्वीट की वजह से द न्यू इंडियन एक्सप्रेस, आउटलुक, मातृभूमि, नेशनल हेरल्ड, टाइम्स ऑफ इंडिया और द पायनियर जैसे बड़े मीडिया आउटलेट्स ने इस खबर को उठा लिया। आज तक चैनल ने अपने कार्यक्रम में ये कथित ट्वीट्स दिखाए। दैनिक जागरण ने भी इस खबर को छापा। मालूम पड़ा कि ये ट्वीट्स फर्जी थे और इन्हें सुशांत के पिता ने ट्वीट नहीं किया था। इस ट्विटर अकाउंट का बड़ा ही अजीब इतिहास रहा। एक वक्त पर ये @real_aishwarya_ नाम से चलता था, कभी ये सोनू निगम के नाम से भी चलता था। इसकी पूरी पोलपट्टी जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.altnews.in पर जाकर इस रिपोर्ट को पूरे डिटेल में पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं कि कैसे इस अकाउंट का इतिहास भूगोल निकाला गया। इससे आप भी 2-4 ट्रिक्स सीख पाएंगे और आगे किसी फर्जी अकाउंट से
बच सकेंगे। इसके अलावा आज तक फर्जी ट्वीट्स को सुशांत के आखिरी ट्वीट्स बताकर भी चला चुका है। आज तक ने दावा किया कि ये ट्वीट सुशांत ने आत्महत्या करने से पहले किए थे और फिर उन्हें डिलीट कर दिया था। बाद में आज तक ने इन ट्वीट्स को बिना किसी क्लैरिफिकेशन डिलीट कर दिया। ये ट्वीट्स फोटो एडिटिंग का कमाल थे। इन कथित स्क्रीनशॉट्स को पहले सोशल मीडिया पर हवा मिली और फिर बगैर टेक्स्ट अलाइनमेंट टाइम स्टैम्प जैसी बारीक चीजों पर नजर फेरे इनके बारे में खबर चला दी गई और बगैर किसी सफाई के उसे हटा भी दिया गया। ये सभी फैक्ट चेक्स तफसील से पूरे इत्मीनान के साथ आप पढ़ सकते हैं ऑल्ट न्यूज की वेबसाइट www.altnews.in पर जाकर। अगर आप वेबसाइट में कम और एप्स में ज्यादा विश्वास रखते हैं तो प्ले स्टोर से हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें, अगर ये वीडियो आपको यूट्यूब पर दिखाई दे रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर दें। आप हमें ट्विटर पर @altnewshindi पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा नाम है केतन। मिस इन्फॉर्मेशन के खिलाफ खोले गए इस मोर्चे में साथ रहें ऑल्ट न्यूज के। आप हमें कैसे डोनेट कर सकते हैं अगले कुछ सेकंड्स में आपकी स्क्रीन पर उसके डिटेल्स मौजूद रहेंगे। आपका साथ ही हमें मजबूत बनाए रखेगा। शुक्रिया।